मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। अडानी कंपनी पर लगा आरोप उस पर भारी पड़ रहा है। अडानी को यूपी में मीटर लगाने वाला टेंडर भी हाथ से जाने पर विवश होना पड़ा। बिजली के मीटर लगाने के लिए 25,000 करोड़ का टेंडर अडानी को मिलना था। बिजली चोरी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में एक बड़ी समस्या है। बस इसी समस्या को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश का मध्यांचल पावर कॉर्पोरेशन स्मार्ट मीटर लगाने का एक टेंडर लेकर आया, जिसमें देश की बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। ये स्मार्ट मीटर टेंडर करीबन 5,454 करोड़ रुपए का था और इस टेंडर को पाने की रेस में अडानी ग्रुप सबसे आगे। लेकिन लगता है कि ग्रुप के दिन ही खराब चल रहे हैं, क्योंकि पावर कॉर्पोरेशन ने इस टेंडर को ही निरस्त कर दिया। क्यों, क्या है पूरा मामला, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले बता दें कि 24 जनवरी को अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी ग्रुप पर आने के बाद से ही कंपनी के शेयर भरभराकर गिर रहे हैं। कंपनी 100 अरब डॉलर खो चुकी है, यहां तक कि कंपनी को अपना FPO तक रद्द करना पड़ा। शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्रुप को रिकवर होने में 1-2 साल का वक्त लग सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मध्यांचल पावर कॉर्पोरेशन के स्मार्ट मीटर के टेंडर निरस्त होने की कहानी थोड़ी अलग है। बता दें कि इस टेंडर में अडानी ग्रुप, GMR, L&T समेत कई कंपनियों ने हिस्सा लिया था। टेंडर के अंतिम स्टेज तक अडानी ग्रुप की कंपनी पहुंची थी, लेकिन मीटर के रेट को लेकर बात ही नहीं बनी, जिसके बाद पूरे टेंडर को ही निरस्त करना पड़ा। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर निकला था, जिसकी अनुमानित लागत 25,000 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। उत्तर प्रदेश के 4 क्लस्टर मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल और पूर्वांचल ने अपने अपने क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए अलग अलग टेंडर निकाले थे। इस टेंडर को लेने के लिए 2 प्रक्रियाओं को पूरा करना था। स्मार्ट मीटर टेंडर को पाने के लिए सबसे पहले कंपनीज को टेक्निकल बिड पास करनी थी। सभी क्लस्टर्स के टेक्निकल बिड में अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ट्रांसमिशन, GMR, L&T और इंटर स्मार्ट क्वालिफाई कर गए। इसके बाद कंपनियों ने प्राइस बिड डाली, यानी कौन सी कंपनी कितने रुपए में स्मार्ट मीटर लगाएगी। मध्यांचल और दक्षिणांचल में तो अडानी ट्रांसमिशन की प्राइस बिड सबसे कम रही, जबकि पूर्वांचल में GMR और पश्चिमांचल में इंटेल स्मार्ट की प्राइस बिड सबसे कम रही। ऐसे में नियम के मुताबिक जिस कंपनी की प्राइस बिड सबसे कम होती है उसे ही टेंडर मिल जाता है। लेकिन पेच स्मार्ट मीटर के दामों को लेकर फंस गया। भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक एक स्मार्ट मीटर की कीमत तकरीबन 6,000 रुपए होनी चाहिए, लेकिन अडानी ट्रांसमिशन ने अपने प्राइस बिड में एक स्मार्ट मीटर की कीमत तकरीबन 10,000 रुपए के करीब लगाई, यानी भारत सरकार की गाइडलाइन के 65% ज्यादा। इसका विरोध विद्युत नियामक आयोग में उपभोक्ता परिषद ने शुरू कर दिया। विरोध के साथ जब मीटर्स के दरों पर बात नहीं बनी तो मध्यांचल पावर कॉर्पोरेशन ने 70 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का पूरा टेंडर ही निरस्त कर दिया। ये टेंडर तकरीबन 5,454 करोड़ रुपए का था। अब नए सिरे से टेंडर निकाले गए हैं। हालांकि अभी दक्षिणांचल पावर कॉर्पोरेशन के साथ ही पूर्वांचल और पश्चिमांचल पावर कॉर्पोरेशन ने कोई फैसला नहीं लिया है। मध्यांचल पावर कॉर्पोरेशन के MD भवानी सिंह तो कह रहे हैं कि जो टेंडर आया था उसकी दर 65% ज्यादा थी, इस वजह से हमने टेंडर कैंसिल ही कर दिया। वहीं टेक्निकल MD योगेश कुमार ने कहा है कि टेंडर कैंसिल करके दूसरा निकाल दिया गया है, रेट का इशू होने की वजह से कैंसिल किया गया, हमने प्रक्रिया के तहत टेंडर को कैंसिल किया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा कहते हैं कि ऐसी कंपनियों को टेंडर प्रक्रिया में भाग मिलना चाहिए जिनको मीटर का एक्सपीरियंसेस हो, जबकि जिन कंपनियों ने टेंडर के लिए अप्लाई किया था उन्हें मीटर का एक्सपीरियंस था ही नहीं। सभी कंपनियां जिन्होंने टेंडर के लिए अप्लाई किया उनके रेट भी 65% से ज्यादा थे। वहीं वर्मा ये भी कहते हैं कि हमने विद्युत उपभोक्ता परिषद नियामक आयोग में भी मामला रखा था, जिसके चलते मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने टेंडर कैंसिल कर दिया। हम मांग करते हैं कि बाकी क्लस्टर्स भी टेंडर को कैंसिल करें, जिससे जनता पर बोझ ना पड़े। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं और वो होते क्या हैं, तो आपको बता दें कि इन्हें लगाए जाने का सबसे बड़ा मकसद है बिजली चोरी को रोकना। अगर कोई स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ करेगा, कटिया डालकर बिजली चोरी करने का कोशिश करेगा, तो उस क्षेत्र से संबंधित SDO और XEN के पास मीटर से एक मैसेज क्षेत्रीय अधिकारियों तक पहुंच जाएगा। साथ ही स्मार्ट मीटर लगने से बिजली विभाग को बकाया बिल मिलने से भी ज्यादा आसानी होगी। ये स्मार्ट मीटर 4G सिम के साथ मिलेगा। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 4G प्रीपेड मीटर के आने से बिजली का भुगतान समय पर होगा, जरूरत के हिसाब से रिचार्ज करना होगा, आने वाले समय में बिजली बिल कम होंगे,
बिजली चोरी की समस्याओं पर लगाम लगेगी, बिजली मीटर से छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी। जब टूटती है आग, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।